छात्रियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से मई मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों साइंस का जो है ना क्लास 9th के लिए साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं और बिल्कुल प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का मैं आपको आंसर के भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर की डायरेक्ट मैं प्यारे बच्चों डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको पैटर्न थोड़ा समझा देता हूँ। 25 ऑब्जेक्टिव बनाना है, ये तो आपको सीधा पता है। इसके अलावा एक से लेकर के प्यारे बच्चों आप लोगों को ना टोटल 10 तक प्रश्न दिया जाएगा, इसमें से आपको मात्र 5 प्रश्न बनाना होगा। लगातार मैं लिख दिया हूं, ये आपका 10 नंबर के लिए हो जाएगा। इसके बाद 11 से लेकर के ना 15 तक प्रश्न रहेगा, इसमें से आपको 3 प्रश्न बनाना होगा, ये आपका सीधे 15 नंबर के लिए होगा। तो इस प्रकार से चलिए इसका आंसर कैसे डाउनलोड करें सीख लेते प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, मैं ना पहले ही गूगल को ओपन कर लिया हूँ, आपको भी गूगल को ओपन करना, सर्च बार का आइकन देखने को मिला क्लिक कर लेना। और देखो मैं पहले ही मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लिया, आपको भी सर्च कर लेना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको आएगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है, नीचे आएगा प्यारे बच्चों तो एक क्लास 9th का सेशन देखने को मिलेगा। मैं फटाफट से नीचे आकर के आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा क्लास 9th का सेशन, फर्स्ट में जो लिखा वो आपको मिल रहा है ना प्यारे बच्चों, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे प्यारे बच्चों, यहां पर देखना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक भी मिलेगा, तो ज्वाइन कर लेना। इसके बाद नीचे आओगे ना प्यारे बच्चों, देखना यहां पर क्लास 9 के लिए साइंस सोशल साइंस और मैथ इंग्लिश जो भी एग्जाम बच्चों सबका पेपर है। तो जैसे हमें साइंस का करना है तो इसके सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। पेज को एक बार इस प्रकार से रिफ्रेश आपको कर लेना, रिफ्रेश करोगे तब आंसर की मिलेगा। क्या करना है, रिफ्रेश का मतलब ऊपर से नीचे की ओर आपको खींच देना है ना। इसके बाद चलिए नीचे आइएगा प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से आइएगा तो देखिएगा आपको जो है ना यहां पर ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल प्यारे बच्चों 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की ये डाला गया है, तो ये आप लोग यहां से लिख लोगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो बिल्कुल ये सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की देखो प्यारे बच्चों डाल दिया गया, तो सारे प्रश्नों का आंसर यहां पर डाला गया। तो आराम से आकर के आप लॉन्ग दीर्घ सारा लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप साइंस का भी सोशल साइंस का भी पेपर ला रहा हूं तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके